देना। जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा भवन में राजस्व दिवस समारोह संपन्न हुआ। यह सभी विभागों की नींव की ईंट है। हमें प्रत्येक कर्मचारी को इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। राजस्व दिवस पर राजस्व विभाग में कार्य करने वाले और उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपना कार्य संपादन करते हैं, क्योंकि मैं एसडीएम कार्यालय से कई बार अंदर जाता हूं तो इनकी जो मुस्कान होती है वो देखने लायक होती है और हमें क्षेत्र के धनी है ये कहा जाता है। वास्तविक सदर व्यक्ति के धनी को ही पुरस्कार के लिए तहसीलदार साहबान, नायब तहसीलदार साहबान, सम्मानित होने वाले जितने भी राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, डीसीबी करके आए जिसमें माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में पूरे राज्य के जितने भी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सबको संबोधित किया और राजस्व दिवस की महत्ता बताई तो हमें दुआएं देके जाएगा। मैं इस राजस्व दिवस समारोह में उपस्थित कर्मचारियों को जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया। अभी कुछ समय पहले हम राज्य स्तरीय जो समारोह था जो जयपुर में मनाया जा रहा है, माननीय मंत्री महोदय और राज्य मंडल के अध्यक्ष उसमें सम्मिलित थे, पूरे जिले के जिला कलेक्टर को उसमें शामिल थे। मुझे पता नहीं था आप लोग भी यहाँ बैठे होना, आप लोग भी वहाँ पे आ सकते थे, कोई मना भी नहीं थी समारोह को देखने में। आप देख लेते आज ये तीसरा दिवस है अपना राजस्व दिवस के रूप में, 2020 से प्रारंभ हो गया, ये तीसरा दिवस है तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो इसकी शुभकामनाएं। दूसरा, जैसा कि एजेंटा ने बताया कि सरकार का कोई सा भी अभियान हो, कोई सा भी काम, हमारे राजस्व विभाग के सहयोग के बिना, सुपरविजन के बिना वो पूरा नहीं होगा। तो हमारी एक अलग से पहचान, एक कलेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, एसडीओ का इंस्टीट्यूशन है, तहसीलदार का इंस्टीट्यूशन है, गिरदावर एंड पटवारी का इंस्टीट्यूशन, ये जो पूरी कड़ी है उसकी एक अलग से पहचान है जो बरसों से बनी हुई। आपके पास आए, चाहे पटवारी के पास आए, गिरदावर के पास आए, तहसीलदार के पास आए, उसको तसल्ली से सुनो। उसकी पहचान है कि वो संबंधित विभागों से चर्चा करके बात को कह के उसकी मदद कर सके और समाधान करा सके, मगर